नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। यूं तो मध्य प्रदेश सरकार ने कई योजनाएं और केंद्र सरकार ने कई ऐसी योजनाएं बनाई हैं जिसके माध्यम से गौ माता की सेवा हो सके और निरंतर उनका ध्यान रखा जा सके। बावजूद इसके बद से बदतर जीवन जीने को मजबूर है गौ माता। यूं तो हर घर में राम भक्त और गौ माता भक्त के भक्त आपको मिल जाएंगे, बावजूद इसके गौ माता की ऐसी दुर्दशा पर कोई जनप्रतिनिधि या आम जनता सामने नहीं आ रही। जहां एक तरफ गौ माता के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकी जाती हैं, वहीं दूसरी तरफ गौ माता की सुध लेने के लिए कोई नहीं है। जहां गौ माता पर कई पन्नों के भाषण दिए जाते हैं, वहां धरातल पर गौ माता की स्थिति बहुत ही दयनीय है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राज्य पशु चिकित्सालय के आसरा आश्रय गृह में गौ माता की भयावह तस्वीरें देखकर आपकी रूह कांप उठेगी। गौ माता क्यों भोग रही नर्क? गौ माता के नाम पर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की करोड़ों के बजट के बावजूद खाली हाथ क्यों है गौ माताएं? ये दर्द से तड़पती गौ माताएं उसी देश की हैं जहां इनको माता का दर्जा दिया गया है। महज अफसोस, केवल कह देने से कोई माता नहीं हो जाता। सरकारें कुछ भी कहें, जब तक धरातल पर सच नहीं दिखता सब झूठ लगा है। और सच ये है कि गौ सेवा के नाम पर सरकार कितना भी पैसा खर्च कर ले, लेकिन आज भी कई जगह गौ माताएं चारा पानी और इलाज को तरसती दिख जाएंगी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की स्थिति भी ऐसी ही है, जहां सीएम मोहन यादव गौ सेवक के रूप में खुद को साबित करते हैं, वहीं गौ माताओं की दुर्दशा सोचनीय है। दरअसल मध्य प्रदेश में कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता संगीता शर्मा ने दावा किया कि एक घायल बच्चिया को 16 जुलाई को होशंगाबाद रोड से नगर निगम के वाहन से पशु आश्रय पहुंचाया था। 22 जुलाई को इसे देखने गई थी, तब भी बच्चिया की स्थिति वही थी जिस स्थिति में उसे भेजा था। 16 जुलाई से लेकर 28 जुलाई तक इसके कान का इलाज नहीं हुआ। आप भी देखिए ये वीडियो। ये आसरा का हाल, रात के वीडियो वायरल होने के बाद सुबह सफाई का काम शुरू हो चुका है, लेकिन पूरे सबूत मिटाए नहीं जा सके। ये लाशें हैं, गायें आराम नहीं कर रही हैं। ये बछड़े को देख के क्या लग रहा है आपको? ये बछड़ा कितने दिन का मरा हुआ है? ये लाशें, यहाँ की इंचार्ज मैडम को मैं दिखा दूँ, ये लाशें हैं। ये पड़ी हुई है लाशें, आप खुद गिनती कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4। आज बड़े जल्दी सफाई होने लगी, आज बड़े जल्दी सफाई होने। ये बीमार है, इनके पैर में प्लास्टर है, लेकिन इतनी गंदगी में इन्हें क्या इन्फेक्शन नहीं होगा, क्या बीमार नहीं होंगी? इससे अच्छा तो ये सड़कों पे मर जाएं तो वो ज़्यादा अच्छा है। अब सोचिए, जब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ऐसी स्थिति है तो प्रदेश में गौ माताओं की कितनी दयनीय स्थिति होगी। विभाग इस पर चुप्पी साधे हुए है और जिम्मेदारों का दूर दूर तक कोई अता पता नहीं है। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता राकेश दिवानिया की रिपोर्ट। देखा जाए तो वाकई हैरान कर देने वाली बात यह है कि जब गौ माता की स्थिति बिना चारे पानी इलाज और अपने घाव पर मरहम के लिए तरसती हुई दिखाई दे रही है तो करोड़ों का बजट कहां जा रहा है और गौ माता को मिलने वाली सुविधाओं को कौन डकार रहा है?
यूं तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पास अगर कोई समस्या पहुंचती है तो वे उस पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। क्या ये जानकारी उनके पास पहुंचने पर गौ माताओं को उनका अधिकार मिल पाएगा, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।